दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो में शुरू करूं उसके पहले एक पुरानी शायरी है वो गुनगुनाने का मन कर रहा है और वो शायरी जरूर मैं कहना चाहूंगा। वो शायरी है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये शायरी मैंने क्यों कही इसका अंदाजा आप सभी को है, क्योंकि ये शायरी पिछले कई दिनों से बहुजन विकास आघाड़ी के लिए फिट बैठ रही थी। जब से ये खबर चली कि बहुजन विकास आघाड़ी के कार्याध्यक्ष और दूसरे दर्जे के नेता राजीव पाटिल ने अपनी पार्टी को टाटा बाय बाय करते हुए भारतीय जनता पार्टी में जाने का मानस बना लिया, और इतना ही नहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की भी पूरी उनकी मानस वो बना चुके थे, बातें कही जा रही थी। लेकिन आज जो खबर निकलकर आई है उसके बाद में बहुजन विकास आघाड़ी में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज हमारे विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ये है कि नाना ने अपना चुनाव लड़ने का इरादा खत्म कर दिया, नाना अब चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे। ये जो जानकारी निकलकर आई है विश्वस्त सूत्रों से आई है। हालांकि हमने कोशिश की कि नाना से बात की जाए लेकिन बात नहीं हुई। बावजूद इसके ये जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं ये कंफर्म विश्वस्त सूत्रों से पुख्ता जानकारी है। बताया ऐसा जा रहा है कि नाना के परिवार में इस समय बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और नाना की माताजी, बुजुर्ग माताजी है, उन्होंने ही नाना को पार्टी से बगावत नहीं करने के लिए मनाया है। हम सभी जानते हैं कि इतने साल से बहुजन विकास आघाड़ी को खड़े करने में नाना का अहम रोल रहा है, और अब जब नाना अगर चले जाते तो बहुजन विकास आघाड़ी को काफी बड़ा धक्का लगता है। इसीलिए मैंने आगे वो कहावत भी कही कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अगर नाना पार्टी छोड़कर चले जाते, हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि नाना पार्टी छोड़ने वाले हैं या नहीं है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म हो गया कि नाना चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो बहुजन विकास आघाड़ी के लिए यही काफी। क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी के जो चुनौतियां उनके विरोधी उनको देंगे वो बात की बात है, लेकिन अपने घर से जो उनको चुनौती इस समय मिल रही थी वो चुनौती अब खत्म हो चुकी है। अब नाना है वो बैकफुट हो चुके हैं, और बहुजन विकास आघाड़ी के सामने अपने जो कोई वो अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कौन उनके प्रत्याशी रहेंगे, लेकिन अब उनके प्रत्याशी को उतारने में बहुजन विकास आघाड़ी को कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ पिछले कई दिनों से जब नाना इस तरह से पार्टी से कटे हुए थे, पार्टी से संपर्क में नहीं थे, तब आप सभी ने देखा है पोस्टरबाजी हुई, बैनरबाजी हुई, और नाना के साथ के कई लोग उन्होंने भी पार्टी से किनारा कर दिया था। हालांकि अब उन लोगों का भविष्य क्या है, और वो लोग पार्टी से बाहर निकले तो नहीं थे लेकिन पार्टी के साथ भी नहीं आ रहे थे। पिछले दिनों बहुजन विकास आघाड़ी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें पार्टी के कुछ कद्दावर नेता शामिल नहीं हुए, खास करके नाना के सगे भाई राजीव पाटिल जो कि पार्टी के प्रवक्ता है, संगठक सचिव है, वो भी इतने दिनों नजर नहीं आए थे। लेकिन अब फिर उन्होंने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी और वो बैनर पर पार्टी के नाम के साथ दिखने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी मायने अब बदल गए। तो ये एक बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई। अब ये चुनाव जिसमें जिस तरह से जिस दिशा में जा रहा था फिलहाल उसकी दिशा पलट चुकी है, और अब जिस तरह से हमेशा होते आया है बहुजन विकास आघाड़ी अपने जो विरोधियों हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के सामने उनके वही विरोधी अब बचे हैं, उनके अपने घर में जो एक माने में आग लगी थी वो अब बुझ चुकी है। ये बड़ी खबर है। और भी इस चुनाव के मद्देनजर हम खबरों पर नजरें गड़ाए हुए हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। आज की खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग भी की। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।